प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन मैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दर्पण के कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, उसको मैं डालने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसने अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया, हरि विजय सूरी, औरंगजेब के शासनकाल में वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की, जय सिंह, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, चोल कला का हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीजन बाई का संबंध पांडवानी, बांसुरी, हारमोनियम, बोन, शंख, तुरही, सहनाई आदि हैं वाद्य यंत्र के। प्राचीनतम नृत्यशैली ओडिसी किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1980। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है नई दिल्ली। नेक्स्ट, परियार गेम अभ्यारण जंगली हाथी के लिए प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, चौथी पंचवर्षीय योजना, पुस्तक है काट चैलेंज इंडिया, जगजीवन राम। प्रिजियन डायरी आपका पुस्तक है, जय प्रकाश नारायण प्रिजियन डायरी। पैराडाइलॉस्ट पुस्तक है, वह जॉन मिल्टन। कल आपको 11 मई को और 13 मई को परमाणु विस्फोट हुआ था, परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था? आपको राजस्थान के पोखरण में 1998 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत प्रथम बार जो परमाणु परीक्षण किया, भारत प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया 1974 में। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। तब भारत अब तक दो बार परमाणु परीक्षण किया था, 1974 पोखरण में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, कूटवाक था बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा किया गया था 11 मई 1998 और 13 मई 1998 वाजपेयी के काल में, बुद्ध पुनः मुस्कुराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR कंडक्ट ट्रायल रन टू ब्लड बैंक डिलीवरी बाय ड्रोन। देखिए, ड्रोन के विषय में आप जानते हैं, यहाँ लिखा गया है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टेड बाई ट्रायल और डिलीवरी इन द ब्लड बैग्स अंडर द ड्रोन। ब्लड बैग ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जा सकता है। ड्रोन इन दिनों काफ़ी उपयोगी है, COVID-19 के दौरान अब देखे होंगे ड्रोन के माध्यम से दवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पहुंचाया गया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी ड्रोन बहुत ही उपयोगी है। किसके क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, आपको कोई भी बीज को, खाद को, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पहुंचाना हो, तो वैसी स्थिति में आपको ड्रोन बहुत ही मददगार साबित होता है। ये ड्रोन काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी एक्सरसाइज किया कर रहा है बुलंद भारत एक्सरसाइज 2030 और अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई पर, आर्टिलरी आर्मी जो मिसाइल का उपयोग करता है, इन्फेंट्री आर्मी जो राइफल का उपयोग करता है, दोनों मिलकर बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए वह अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज बुलंद भारत अभ्यास 2030। यह कर रहा है आपको कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है एच हिजॉल एक वनस्पति प्लांट है जो वर्षा न होने के कारण
वह समाप्त हो गया है। यह प्लांट है, यह प्लांट भारत में एवरग्रीन प्लांट के नाम से जाना जाता है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जगहों में पाया जाता है, साफ पानी में पाया जाता है। गंगा पंपुर डेल्टाई क्षेत्र में यह प्लांट की प्रजाति देखने को मिला है। इस प्लांट्स का उपयोग मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि हार्ट से बीमारी से संबंधित कोई व्यक्ति हो तो इस प्लांट के माध्यम से हार्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। उसी ढंग से इसके बीज के पाउडर से पाउडर बनाकर बीज को, और इसके बाद क्या किया जा सकता है, बीज के पर बच्चे के जो कफ होता है उस कफ को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनेट्रोनेक्स AN-32। यह इंजन एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला एयरक्राफ्ट है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को या व्यक्ति को लाया जा सकता है। यह दो इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, इसका डिजाइन यूक्रेन ने किया था। भारत यह एयरक्राफ्ट का जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था USSR था, उस समय भारत यह एयरक्राफ्ट का खरीदा था। यह एयरक्राफ्ट 4500 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 27 टन वजन लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसके बाद इसका स्पीड बहुत अच्छा है, इसका स्पीड है 530 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एयरक्राफ्ट का क्या है, स्पीड है। एयरक्राफ्ट के विषय में आपको जाने एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है, 530 किलोमीटर पर घंटा एयरक्राफ्ट का आपको स्पीड है। तो एयरक्राफ्ट के विषय में आपको हम जानकारी दे दिए, एयरक्राफ्ट का स्पीड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंपी स्किन वायरस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंपी, देखिए गाय का दूध का कीमत बढ़ा है, भैंस का दूध का कीमत बढ़ा है, इसका कारण जानते हैं, इसका कारण लंपी स्किन वायरस। गाय की एक बीमारी है, भैंस की बीमारी है लंपी स्किन वायरस। इस वायरस का पता 2 से 14 दिन में किसी मवेशी को यह बीमारी पकड़ता है, तो 2 से 14 दिन में यह पता होता है, जिसके कारण बहुत सारे लाखों जानवर इस बीमारी के कारण मर गए। एक आपको जानकारी प्राप्त कीजिएगा तो भारत के कुछ दिन पहले ऐसा आ गया था दूध का आयात करता, 2020 से कैसे भारत लगभग 209 मिलियन टन का दूध उत्पादन करता था, लेकिन जो ही जब यह बीमारी फैला 2022-23 में, तो दूध का जो निर्यात करता था बहुत काफ़ी कम हो गया। यह बीमारी सर्वप्रथम कहाँ आया था, 2019-29 जाम्बिया में, बांग्लादेश में 2019 में आया था, वेस्ट बंगाल में 2019 और भारत गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में 2020-22 में आया था। और धीरे धीरे यह बीमारी क्या हो गया, धीरे धीरे यह बीमारी फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया USA स्ट्रेंथ G20 कॉरपोरेशन ड्यूरिंग द मोदी विजिट। G20 कॉरपोरेशन पर, G20 देशों पे इंडिया और यूएसए के बीच, बहुत बार मोदी भारत अमेरिका यात्रा कर चुके हैं 2014 के बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के राष्ट्रपति मोदी दोनों के बीच एक समझौता होने वाला है, सिक्योरिटी के लेकर, एनर्जी के लेकर, आतंकवाद के लेकर, क्लाइमेट चेंज के लेकर, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। बल्कि जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक वार्ता होने जा रहा है। एक है शांति निकेतन में भी एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आपको कुछ दिन पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में बताए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, उन्हें शांति निकेतन को स्थापना किया था। शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज में मांग किया जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शांति निकेतन को शामिल किया। वहाँ पर उन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी कंटिन्यू है। और यह पहला, अगर यूनेस्को इसको मंजूरी दे देता है तो पहला कोई जीवित मारे कंटिन्यू चलने वाला वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाएगा। अभी 3651 ऐसे स्मारक है जिसको मात्र 40 स्मारक को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। उसको काजीरंगा नेशनल पार्क को ही वर्ल्ड हेरिटेज में
यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया हड़प्पा को, धौलावीरा को, कंचनजंगा नेशनल पार्क, पहली बार कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। मेरे दोस्त, आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दर्पण से जो क्वेश्चन जुड़े हुए थे मैंने डालने का प्रयास किया, लेकिन आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब। एक सूचना, मेरे पास फंडर भाई विजय सर द्वारा प्रत्येक दिन 7 से 9 बजे आपको चलाया जा रहा है क्लास, व क्लास सुपर टेट का क्लास। आप क्लास को ज्वाइन करना न भूलें, क्लास की गति पकड़ ली है, आपकी आपका सिलेबस जस्ट एक दूध में कल आज कल में सिलेबस आने वाला है। और निश्चित रूप से ज्वाइन करें 7 से 9 9 9 3 1 4 6 7 8 1 7। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।